खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल ना हो। पाकिस्तान और दुनिया भर में 82वां यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 7-7 तोपों की सलामी दी गई। शाद रहे ये पाकिस्तान, तेरी मेरी है एक पहचान, सबसे ऊंचा इसका नाम। ISPR ने 23 मार्च के हवाले से अपना ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया। हम एक पुरअमन मुल्क और ज़िम्मेदार एटमी कुव्वत हैं, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मरकज़ी तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हम एक पुरअमन मुल्क और ज़िम्मेदार एटमी कुव्वत हैं, लेकिन अपनी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दुनिया को अब इस सिलसिले में संजीदा तवज्जो की ज़रूरत है। तहरीके अदम एतमाद MQM और पीपल्स पार्टी का आज फैसला कुन इजलास। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का आज फैसला कुन इजलास कराची की बजाय इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी काबीना के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। PTI की सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI की सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इजलास बनीगाला की बजाय वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब किया गया है। कानूनी माहिरीन के साथ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इजलास में स्पीकर असद कैसर भी शरीक होंगे।